शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले एक महीने तक पाम तेल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद इंडोनेशिया में इसकी खेती और उद्योग से जुड़े लोगों की हालत खराब हो गई थी। तेल के भंडार भरे पड़े हैं, जिससे खेतों से माल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अब इंडोनेशिया सरकार जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पाम तेल का निर्यात करने की कोशिश करने लगी है। व्यापार मंत्रालय के एक नियम के अनुसार इंडोनेशिया ने कम से कम 1 मिलियन टन कच्चे पाम तेल की शिपिंग के उद्देश्य से एक त्वरित निर्यात योजना शुरू की है और यह योजना 31 जुलाई तक लागू है। ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फेडरेशन ने कहा है कि इससे भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार निर्यात की प्रक्रिया को गति देगी। वहीं इंदौर में खाद्य तेलों में लेवाली बेहद कमजोर बनी हुई है, पाम तेल में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।